हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीआरएन क्लासेस। आशा करूछि आपण माने समस्ते भलरे थिबे एवं आपणको प्रिपरेशन टा ठीक भाबरे चालू थिबो। एग्जाम पूर्वरो आमे जीके कंप्यूटर एवं ओडिया ग्रामर को टॉपिक वाइज कंप्लीट करबा एवं समस्त पई एक्स्ट्रा प्लेलिस्ट कर दिया जाइछि। आपण माने जाइकी चेक करिकी प्रथमरो क्लास गुडी को करि परबे। तो वीडियो गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी रखंतु। आपण माने तो जानिछंती अन्य सब्जेक्ट जिते इम्पोर्टाट कंप्यूटर मध्य सेते इम्पोर्टाट। तो एक क्लास रे आमे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टॉपिक रु आउ केते गुड़िए मोस्ट इम्पोर्टाट एमसीक्यू कंप्लीट करिबा। तो आउ समय नष्ट न करी आरंभ करिबा। नंबर 81 द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज डेस्क। देखंतु जे कोनोसी कंप्यूटर सिस्टम रो मस्तिष्क कहाकू कह जाय। ऑप्शन ए ALU, ऑप्शन बी मेमोरी, ऑप्शन सी CPU, ऑप्शन डी कंट्रोल यूनिट। तो राइट आंसर कौन है? जे कोनोसी कंप्यूटर सिस्टम रो मस्तिष्क कहाकू कह जाए? समस्ते जानिछंती द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज CPU बा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को जे कोनोसी कंप्यूटर सिस्टम रो मस्तिष्क कह जाए। ऑप्शन सी है राइट आंसर। नंबर 82 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर। देखंतु निम्नलिखित मध्यरु केउटी कंप्यूटर रो कार्य को नियंत्रण करबा पय डिजाइन करा जाय छी। ऑप्शन ए यूजर, ऑप्शन बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो राइट आंसर टी कोन हेबो? निम्नलिखित मध्यरु केउटी कंप्यूटर रो कार्य को नियंत्रण करबा पय डिजाइन करा जाय छी। तो राइट आंसर टी ऑप्शन सी सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर। ऑप्शन सी हेबो राइट आंसर। नंबर 83 विंडोज एक्सप्लोरर इज एन एग्जांपल ऑफ डेस्क। देखंतु विंडोज एक्सप्लोरर टा कहार गोटे उदाहरण? ऑप्शन ए एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑप्शन सी ए फाइल मैनेजर, ऑप्शन डी ए वेब ब्राउजर। तो राइट आंसर टी कोन हेबो? विंडोज एक्सप्लोरर गोटे कोन? विंडोज एक्सप्लोरर गोटे कहार उदाहरण? तो राइट आंसर टी ऑप्शन सी ए फाइल मैनेजर। विंडोज एक्सप्लोरर इज एन एग्जांपल ऑफ ए फाइल मैनेजर। ऑप्शन सी हेबो राइट आंसर। नंबर 84 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सॉफ्टवेयर। देखंतु निम्नलिखित मध्यरु केउटी एक सॉफ्टवेयर अटे? ऑप्शन ए प्रोजेक्टर, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी एमएस ऑफिस, ऑप्शन डी प्रिंटर। तो राइट आंसर टी कोन हेबो? निम्नलिखित मध्यरु केउटी गोटिए सॉफ्टवेयर अटे? समस्ते जानिछंती जे एमएस ऑफिस हेउची गोटिए सॉफ्टवेयर। तो ऑप्शन सी हेबो राइट आंसर। नंबर 85 द सेट ऑफ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम्स दैट एनेबल्स द हार्डवेयर टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क इज कॉल्ड डेस्क। देखंतु कंप्यूटर रो इंस्ट्रक्शन किंबा प्रोग्राम गुड़िकर सेट जहाँ हार्डवेयर को विभिन्न कार्य संपादन करने को सक्षम करे ताहाकू कौन कहा जाए? ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी हार्डवेयर, ऑप्शन सी यूटिलिटी, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो राइट आंसर टी कौन है? कंप्यूटर रो इंस्ट्रक्शन किंबा प्रोग्राम गुड़िकर सेट जहाँ हार्डवेयर को विभिन्न कार्य संपादन करने को सक्षम करे ताहाकू कौन कहा जाए? तो राइट आंसर टी ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर। ताहाकू कौन कहा जाए ना सॉफ्टवेयर कहा जाए? ऑप्शन ए हेबो राइट आंसर। नंबर 86 व्हिच इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग चिप्स। देखंतु चिप्स रो उत्पादन पई केउटी व्यवहृत हुए? ऑप्शन ए बस, ऑप्शन बी कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन सी सेमीकंडक्टर्स, ऑप्शन डी ए एंड बी ओनली। तो राइट आंसर टी कोन हेबो? चिप्स रो उत्पादन पई केउटी व्यवहृत हुए? तो राइट आंसर टी ऑप्शन सी सेमीकंडक्टर रो व्यवहृत होइथाय। तो ऑप्शन सी हेबो राइट आंसर। नंबर 87 हाउसिंग ऑल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग इन वन साइड लोकेशन इज कॉल्ड डेस्क। देखंतु समस्त हार्डवेयर सॉफ्टवेयर स्टोरेज एवं प्रक्रियाकरण को गोटिए साइड स्थान रे रखिबा को कोन कहा जाए? ऑप्शन ए टाइम शेयरिंग, ऑप्शन बी ए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, ऑप्शन सी सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग, ऑप्शन डी ए होस्ट कंप्यूटर। तो राइट आंसर टी कोन हेबो? समस्त हार्डवेयर सॉफ्टवेयर स्टोरेज एवं प्रक्रियाकरण को गोटिए साइड स्थान रे रखिबा को कोन कहा जाए? तो राइट आंसर टी ऑप्शन सी सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग कहा जाए। ऑप्शन सी हेबो राइट आंसर। नंबर 88 व्हिच सॉफ्टवेयर प्रिवेंट्स द एक्सटर्नल एक्सेस टू ए सिस्टम। देखंतु केउ सॉफ्टवेयर एक सिस्टम रो बाह्य एक्सेस को प्रतिरोध करे? ऑप्शन ए फायरवॉल, ऑप्शन बी गेटवे, ऑप्शन सी राउटर, ऑप्शन डी वायरस चेकर। तो राइट आंसर टी कोन हेबो? केउ सॉफ्टवेयर एक सिस्टम रो बाह्य एक्सेस को प्रतिरोध करे? तो राइट आंसर टी ऑप्शन ए फायरवॉल। ऑप्शन ए हेबो राइट आंसर। नंबर 89 फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंप्यूटर इज कॉल्ड डेस्क। देखंतु कंप्यूटर भौतिक गठन को कौन कहा जाए? ऑप्शन ए मालवेयर, ऑप्शन बी एप्लीकेशन, ऑप्शन सी हार्डवेयर, ऑप्शन डी सॉफ्टवेयर। तो राइट आंसर टी कौन हेबो? कंप्यूटर भौतिक गठन को कौन कहा जाए? समस्ते जानिछंती कंप्यूटर भौतिक गठन को हार्डवेयर कहा जाए। ऑप्शन सी हेबो राइट आंसर। फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर। ऑप्शन सी हेबो राइट आंसर। नंबर 90 ALU इज डेस्क। देखंतु ALU टा कौन? ऑप्शन ए एरे लॉजिक यूनिट, ऑप्शन बी एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन सी
आप्लिकेसन लॉजिक यूनिट नापसन डी नन अफ दिज। तो राइट आंसर कौन है ALU रर्थ कौन ALU रर्थ हो आरीथमेटिक लॉजिक यूनिट ऑप्शन बी हे राइट आंसर ऑप्शन बी हे राइट आंसर। नंबर 91 व्हिच इज नॉट एन इनपुट डिवाइस देखो क्योंटे एक इनपुट डिवाइस नुह ऑप्शन ए कीबोर्ड ऑप्शन बी मॉनिटर ऑप्शन सी टच स्क्रीन ना ऑप्शन डी माउस। तो राइट आंसर कौन है क्योंटे एक इनपुट डिवाइस नुह देखो समस्ते जानते जे कीबोर्ड टच स्क्रीन एवं माउस ए तीनोटी होचंती गोटे गोटे इनपुट डिवाइस किंतु ए मॉनिटरटा गोटे इनपुट डिवाइस नुह। तो ऑप्शन बी हेबो राइट आंसर मॉनिटर इज नॉट एन इनपुट डिवाइस ऑप्शन बी हेबो राइट आंसर। नंबर 92 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर देखंतु निम्नलिखित मध्ये केउटी कंप्यूटर हार्डवेयर नुहे ऑप्शन ए विंडोज ऑप्शन बी मॉनिटर ऑप्शन सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑप्शन डी कीबोर्ड। तो राइट आंसर कौन है निम्नलिखित मध्य क्योंटी कंप्यूटर गोटे हार्डवेयर नुह समस्ते जानते जे मॉनिटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एवं कीबोर्ड ए तीनोटी जाक होती गोटे गोटे हार्डवेयर किंतु ए विंडोजटा गोटे हार्डवेयर नुहे तो ऑप्शन ए हे राइट आंसर। नंबर 93 द ब्लिंकिंग सिंबल ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन इज कॉल्ड द डेस्क देखंतु कंप्यूटर स्क्रीन रे थिबा ब्लिंकिंग चिन्ह को कौन कहा जाए ऑप्शन ए माउस ऑप्शन बी लोगो ऑप्शन सी हैंड ऑप्शन डी कर्सर। तो राइट आंसर कौन है कंप्यूटर स्क्रीन रे थिबा ब्लिंकिंग चिन्ह को कौन कहा जाए तो ताहाकु कर्सर कहा जाए ऑप्शन डी हेबो राइट आंसर द ब्लिंकिंग सिंबल ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन इज कॉल्ड द कर्सर ऑप्शन डी हेबो राइट आंसर। नंबर 94 डॉट मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ डैश देखंतु डॉट मैट्रिक्स कोटी कौन ऑप्शन ए टेप ऑप्शन बी प्रिंटर ऑप्शन सी डिस्क ऑप्शन डी बस। तो राइट आंसर कौन है ए डॉट मैट्रिक्स गोटे कौन ना डॉट मैट्रिक्स हूँ गोटे प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स इज ए टाइप ऑफ प्रिंटर ऑप्शन बी हे राइट आंसर। नंबर 95 द पोर्टेबल डिवाइस दैट कैन स्टोर ऑल योर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स इज ए डैश देखंतु आपणकर समस्त ऑफिशियल डॉक्यूमेंट गुड़ी स्टोर करिपारथिबा पोर्टेबल डिवाइस केउटी ऑप्शन ए रैम ऑप्शन बी यूएसबी माउस ऑप्शन सी रोम ऑप्शन डी यूएसबी ड्राइव। तो राइट आंसर कौन है आपणकर समस्त ऑफिशियल डॉक्यूमेंट गुड़ी स्टोर करिपारथिबा पोर्टेबल डिवाइस केउटी तो ऑप्शन डी हेबो राइट आंसर यूएसबी ड्राइव द पोर्टेबल डिवाइस दैट कैन स्टोर ऑल योर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स इज यूएसबी ड्राइव ऑप्शन डी हेबो राइट आंसर। नंबर 96 द डिवाइस दैट इज यूज टू कन्वर्ट प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स इनटू डिजिटल इमेजेस इज अ डैश देखंतु प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल इमेजेस रे परिणत करबा पई व्यवहृत हेउतबा उपकरणटी केउटी ऑप्शन ए फैक्स ऑप्शन बी स्कैनर ऑप्शन सी प्रिंटर ऑप्शन डी वेबकैम। तो राइट आंसर कौन है प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल इमेजेस रे परिणत करबा पई व्यवहृत हेउतबा उपकरणटी केउटी तो राइट आंसर ऑप्शन बी स्कैनर द डिवाइस दैट इज यूज टू कन्वर्ट प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स इनटू डिजिटल इमेजेस इज स्कैनर ऑप्शन बी हेबो राइट आंसर। नंबर 97 द इंटरफेस बिटवीन द मदरबोर्ड एंड एक्सटर्नल डिवाइस इज कॉल्ड डैश देखंतु मदरबोर्ड एवं एक्सटर्नल डिवाइस मध्यरे थिबा इंटरफेस को कोन कहा जाय ऑप्शन ए रजिस्टर ऑप्शन बी स्विच ऑप्शन सी पोर्ट ऑप्शन डी बस। तो राइट आंसर कौन है मदरबोर्ड एवं एक्सटर्नल डिवाइस मध्यरे थिबा इंटरफेस को कौन कहा जाए ना पोर्ट कहा जाए द इंटरफेस बिटवीन द मदरबोर्ड एंड एक्सटर्नल डिवाइस इज कॉल्ड पोर्ट ऑप्शन सी हेबो राइट आंसर। नंबर 98 व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज अ पॉइंटिंग डिवाइस यूज्ड इन कंप्यूटर्स देखंतु निम्नलिखित मध्यरु केउटी कंप्यूटर रे व्यवहृत एक पॉइंटिंग डिवाइस ऑप्शन ए कॉपियर ऑप्शन बी प्रिंटर ऑप्शन सी वेबकैम ऑप्शन डी माउस। तो राइट आंसर कौन है निम्नलिखित मध्य क्योंटी कंप्यूटर में व्यवहृत होता एक पॉइंटिंग डिवाइस समस्ते जानते जे माउस हो गोटे पॉइंटिंग डिवाइस तो ऑप्शन डी हेबो राइट आंसर। नंबर 99 व्हाट काइंड ऑफ डिवाइस इज बारकोड रीडर देखो बारकोड रीडरटा गोटे क्यों प्रकार डिवाइस अटे ऑप्शन ए मेमोरी ऑप्शन बी प्रोसेसर ऑप्शन सी इनपुट ऑप्शन डी आउटपुट। तो राइट आंसर कौन है बारकोड रीडरटा गोटे क्यों प्रकार डिवाइस अटे समस्ते जानते जे बारकोड रीडरटा हूँ गोटे इनपुट डिवाइस तो ऑप्शन सी हेबो राइट आंसर। नंबर 100 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू फॉर ए प्रिंटर देखंतु प्रिंटर पर निम्नलिखित विकल्प मध्य क्योंटी सत्य अटे ऑप्शन ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑप्शन बी ए मेमोरी यूनिट ऑप्शन सी एन इनपुट डिवाइस ऑप्शन डी एन आउटपुट डिवाइस। तो राइट आंसर कौन है प्रिंटर पर निम्नलिखित विकल्प मध्य क्योंटी सत्य अटे आम जाने जे प्रिंटर हूँ गोटे आउटपुट डिवाइस तो ऑप्शन डी हेबो राइट आंसर प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस ऑप्शन डी हेबो राइट आंसर। ए थिला आज क्लास रो लास्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्लास रे आउ केते गुडे मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू कंप्लीट करबा। जदि आपण समस्त क्लास रो पीडीएफ पाइबा को चाहूचंती तो कमेंट्स निश्चय जणंतु। जदि ए क्लास टी आपणको नॉलेज रे किछटा इंप्रूवमेंट आनिछि तो वीडियो गोटे लाइक करी संग साथी मानको सहित शेयर करंतु एवं ओडिसा रो कोनोसी जॉब पाइ मध्ये प्रिपरेशन करूचंती तो डीआरएन क्लासेस को सब्सक्राइब करी नोटिफिकेशन घंटी को ऑन करी रखंतु, कारण आमे जेते बेले भी न्यू वीडियो टी अपलोड करिवु आपणको पाखको सर्वप्रथमे नोटिफिकेशन टी पहुंची पारिबो।